नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। अब यात्रा के दौरान आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एक गलत हरकत भी आपको जेल की हवा खिला सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैसी बातें जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यात्रा के दौरान ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर या अनजाने में भी वैसी गलतियां कर बैठते हैं जो रेलवे एक्ट में अपराध की श्रेणी में आता है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन के आते ही यात्री प्लेटफॉर्म पर आगे आ जाते हैं और उसे देखने के लिए झांकने लगते हैं, या फिर खाने पीने की चीजें भी यहां वहां फेंक कर गंदगी फैलाते हैं या कोई गलत हरकत करते हैं। तो ऐसा करने वाले अब संभल जाएं। रेलवे ऐसे लोगों से अब सख्ती के साथ निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके अलावा रेलवे ने यात्रा के दौरान बढ़ती हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्ती करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पर भी गलत काम करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन प्रशासन और रेल सुरक्षा बल प्लेटफॉर्म में यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। अगर प्लेटफॉर्म में कोई गंदगी फैलाते हुए मौके पर पकड़ा गया तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। रेल यात्रियों को महंगी पड़ेगी ऐसी हरकत। अगर आप भूल से भी रेल लाइन पार करते हैं, रेलवे कैंपस में गंदगी फैलाते हैं, चैन खींचते हैं, रेल कैंपस में झगड़ा करते हैं, प्लेटफॉर्म से ट्रेन की ओर तय जगह से आगे जाकर झांकना जैसे काम करते हैं, तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके लिए रेल एक्ट में प्रावधान है। जबरन ट्रेन रोकना है बड़ा अपराध। अगर आप जबरदस्ती ट्रेन रोकते हैं तो इसे बड़ा अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी बहुत बड़ी है। रेलवे एक्ट के तहत ऐसा करने पर दर्ज FIR में आपको 14 साल तक कैद भी हो सकती है। इसके अलावा कैंपस में जोर जोर से बातें करना, झगड़ा करने और अभद्र व्यवहार के तहत भी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। ट्रेन को झांक कर देखना पड़ेगा महंगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े हैं और तय सीमा रेखा से आगे बढ़कर आती हुई ट्रेन झांकते हैं तो इस आदत को सुधार लीजिए। इस एक्टिविटी को अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म किनारे से 1.5 फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है। इस लापरवाही पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 500 रुपए जुर्माना या 1 महीने की सजा होती है। महिला और दिव्यांग कोच में भूल से भी ना बैठे। कई बार देखा जाता है कि पुरुष यात्री ट्रेन में भीड़ होने पर महिला कोच या दिव्यांग कोच में घुस जाते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे में आप पर रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के सवार होने पर धारा 155 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आपको 500 रुपए का जुर्माना या फिर 1 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। गैर जरूरी चेन खींचने पर 1000 रुपए का जुर्माना। कई बार लोग बेवजह रेल यात्रा के दौरान चेन खींच देते हैं। ऐसा करने पर 1000 रुपए जुर्माना और 3 महीने की कैद होती है। रेलवे की संपत्ति की चोरी करने पर 3 रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में 3 साल की सजा का प्रावधान है। रेल की पटरी पार करना भी है अपराध, हो जाएगी सजा। यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए या फुट ओवर ब्रिज ना चढ़ने के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही, यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है, वहीं 1000 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। बहरहाल अगर आप भी ट्रेन में या स्टेशन पर ऐसी गलती करते हैं तो सावधान हो जाएं। अगली बार जब आप रेल सफर पर निकले तो एक जिम्मेदार यात्री की तरह पेश आएं और अपनी लापरवाही और गलतियों पर जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ 14 साल तक की जेल हो सकती है और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।